दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर सकते हैं चर्चा। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कर सकते हैं पीएम मोदी से चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले काफी दिनों से अटकलें चल रही थी, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र, कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या फैसला आता है या क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें हो सकती हैं, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र। इस पूरे मामले पर हमारे साथ अमित दुबे जुड़ेंगे। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम और पीएम के बीच जो बैठक होगी, इनमें किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, मुलाकात की पहले बात करें तो पहले कल आज 4 बजे का वक्त तय हुआ था, लेकिन पीएम के बिजी शेड्यूल के चलते वक्त को चेंज किया गया और 11 बजे टाइम रखा गया, और उसके बाद अब मुलाकात चल रही है। कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि खास तौर पे जो कुंभ की तैयारियां हो रही हैं उसे लेके भी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री के सामने कुंभ की कई सारी योजनाएं जो सीएम को डिस्कस करनी है, इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार, दो और मंत्री शामिल होने, उसे लेके भी लगातार सियासत गर्म है कि आखिर कौन लोग शामिल होंगे कौन नहीं शामिल होंगे, तो इन चीजों को लेके भी यहाँ डिस्कशन होना है। दूसरी जो योजनाएं है, खासतौर पे दूर संचार विभाग में जो योजनाएं दी गई, लगभग 1900 करोड़ रुपए की वो योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार को जिसके लिए बजट प्रोवाइड करना है। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति हर कोई जानता है कि उत्तराखंड किस तरह से कर्ज में, लगातार उत्तराखंड सरकार के ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ रही है, तो कई सारे विषय, इन विषयों पे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होनी है। और मेन मुद्दा जो है वो अर्ध कुंभ के इर्द गिर्द घूम रहा है कि कुंभ में किस तरह की तैयारियां होंगी और कुंभ के भव्य आयोजन को लेके प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हो रही है। जी अमित, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है या कौन से नए चेहरे हमें मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बीजेपी में बात करें तो भले ही बीजेपी लोकतंत्र की बात करती हो, लेकिन बीजेपी में आखिरी समय तक सिर्फ कयास लगाए जाते हैं कि कौन मंत्री होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में होता है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री दो ही ऐसे चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल लेके मोहर लगाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 5-5, 6-6 बार के एमएलए हैं और उसके बावजूद जो है वो मंत्री नहीं बने, या हम केंद्र सरकार की बात करें तो कई बार के एमएलए हैं वो भी पेंडिंग में हैं और जिन्हें आज तक मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर इस तरह की नीतियां जो है बीजेपी की बहुत ही सीक्रेट होती हैं, लेकिन कई सारे नाम यहाँ पे चल रहे हैं। चूंकि प्रकाश पंत की बात करें तो उनके निधन के बाद वित्त मंत्रालय खाली हुआ था, उससे पहले भी एक मंत्री पद और भरा जाना था, तो इसे लेके लगातार हर कोई अपनी जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहा है। चूंकि पहली प्राथमिकता जो थी वो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की थी, अब जब बीजेपी ने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, वंशीधर भगत जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गए, तो इसके बाद पहले केंद्रीय नेतृत्व से आश्वासन मिलेगा और उसके बाद फिर उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी दोनों मिलकर मंत्री पद को लेकर डिस्कस करेंगे और उन नामों को केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करेगा। जी तो अमित, आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड के विकास को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और उसके लिए किसी पैकेज की डिमांड कर सकते हैं सीएम पीएम से? देखिए, ये टेहरी में खासतौर पे जो पुल बन रहा है उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ पूरे चीजें जो है वो डिस्कस हो गई हैं, और खासतौर पे ऑल वेदर रोड जो बन रहा है उसके निर्माण को लेके भी यहाँ पे जिस तरह से लगातार काम हो रहा है उसे लेके भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा है।
दूसरा कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में आता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि हर हाल में वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करे और अपने राज्य की रिपोर्ट दे कि अब तक राज्य में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे केंद्रीय कोई भी केंद्रीय मंत्रालय हो वहां पे भी प्रधानमंत्री साफ तौर पे हर विभाग का सर्वेक्षण करते हैं, जानकारी लेते हैं, प्रदेशों की भी जानकारी लेते हैं।